एक लड़के को पता चलता है कि उसके फादर का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बारे में उसने और भी पता किया। उस लड़की के साथ उसका भी अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब एक साथ बाप और बेटे दोनों का ही एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अब आगे क्या होगा ये हमें मूवी में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है द ओनली लिविंग बॉय इन न्यूयॉर्क। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम थॉमस नाम के बंदे को देखते हैं। थॉमस अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम मिमी है एक आर्ट गैलरी में आया हुआ था। उसे एक्चुअल में एक राइटर बनना है तो इसी के लिए आजकल वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसकी फैमिली बहुत रिच है और उसके फादर पब्लिशिंग में काम करते हैं लेकिन फिर भी वो उनसे हेल्प नहीं लेना चाहता। थॉमस मिमी से बहुत प्यार करता है। मिमी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है लेकिन इन्होंने एक रात साथ में बिताई थी जो इन दोनों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आज थॉमस से मिमी कहती है मुझे वर्कशॉप के लिए अलग कंट्री में जाना पड़ेगा। थॉमस इस बात को सुनकर बहुत ही अपसेट हो गया। उसकी लाइफ में एक ही कॉन्सेंट है और वो मिमी है जिसे वो बहुत ही प्यार करता है। वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता। ये सारी बातें वो मिमी से कहता है लेकिन मिमी कहती है कि हम दोनों में क्या है ये हमें अब तक पता नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। थॉमस मिमी से कहता है जो रात हमने साथ में बिताई थी वो बहुत ही स्पेशल थी लेकिन मिमी को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है उस रात हम ड्रंक थे और हमने ड्रग्स भी लिए थे। वो हमेशा थॉमस को इसी तरीके से ट्रीट करती है। वो कभी भी उसे सीरियसली नहीं लेती। थॉमस उसे कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, उसे इससे ज़्यादा होना है लेकिन मिमी इस बात के लिए मना कर देती है। थॉमस इस तरीके से अपनी फीलिंग को जताने के बाद भी मिमी का फ्रेंड नहीं रह सकता था। ये बात उसने मिमी से कही तो इस बात से वो अपसेट हो गया। इसके बाद जब वो घर पर आया तो एक स्ट्रेंजर उससे बात करता है। वो कहता है तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो, क्या ये एक लड़की का मामला है, उसका नाम क्या है। थॉमस को पहले अजीब लगा लेकिन बाद में वो कहता है उसका नाम मिमी है। स्ट्रेंजर उसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम उसके बारे में मुझे बताओ तो शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। थॉमस को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो इस बात को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। इस स्ट्रेंजर का नाम गेराल्ट था लेकिन थॉमस को अब तक उसका रियल नेम पता नहीं है। ये मूवी में उसे आगे पता चलेगा। गेराल्ट की बात पर थॉमस सोचता है और वो फिर से उसके पास वापस आ जाता है। थॉमस ने अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में गेराल्ट से बात की। गेराल्ट उसे कहता है तुम दोनों की एज बहुत ही कम है, इस एज में आदमी बहुत ही सस्पिशियस होता है। तुम अगर उसकी लाइफ से दूर जाने लगे तो उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी, फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। थॉमस को ये बात समझ में नहीं आती, वो इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं आज रात थॉमस अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आया हुआ था क्योंकि उसकी मदर ने उसे इंसिस्ट किया था। उसकी मदर का नाम जुडिथ था। वो हमें जुडिथ के बारे में बताता है। उसके लिए फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर फैमिली टूट गई तो वो भी बिखर जाएगी। उसको बहुत सारे मेंटल इशू भी थे। थॉमस के फादर का नाम ईथन होता है। थॉमस इस तरीके से अकेला रहता है, उनसे कोई भी सपोर्ट नहीं लेता। ये बात ईथन को अच्छी नहीं लगती। थॉमस भी अपने फादर को बहुत ज़्यादा हेट करता है। एक रात जब थॉमस मिमी के साथ एक शो देखने के लिए गया हुआ था तब उसने अपने फादर ईथन को किसी और लड़की के साथ देखा था जिसका नाम जोएना होता है। थॉमस इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो अपनी मदर के लिए वरी करता है, अगर मदर को ये बात पता चली तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। अगले दिन थॉमस ईथन के साथ लंच करता है। यहाँ पर वो उन्हें कन्फ्रंट करने वाला था लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता। थॉमस ने राइटर बनने के लिए कॉलेज भी छोड़ दिया था तो ईथन उसे कहता है एक करियर काउंसलर है, उससे तुम बात कर लो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थॉमस फिगर आउट नहीं कर पाता ईथन ने ये सब क्यों किया होगा। रात में वो और गेराल्ट जब ड्रंक हो रहे थे तब उसने उससे पूछा तुम लाइफ में क्या चाहते हो। थॉमस को अब तक इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो राइटर तो बनना चाहता है और बचपन में उसने स्टोरीज भी लिखी थी। ये जब उसने ईथन को दिखाई थी तब ईथन ने उसे कहा था ये ठीक ठाक है, इसमें उन्हें कुछ भी अलग नहीं लगा था। तब ईथन ने उसे इनक्रेज नहीं किया था। जब ईथन यंग था तब वो भी राइटर बनना चाहता था लेकिन उनमें इतना टैलेंट नहीं था। इसी वजह से पब्लिशिंग की कंपनी उन्होंने ओपन कर ली जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस देखना चाहता था ईथन जोएना से मिलता है या नहीं। वो ऑफिस के सामने नज़र रखता है, वहाँ से जोएना निकलती है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। एक दिन जोएना का पीछा करते हुए थॉमस ने उसे रोक लिया। जोएना कहती है मुझे पता है तुम कौन हो। वो उसे लंच करने के लिए लेकर गई।
थॉमस उससे पूछता है, आखिर तुम दोनों को एक साथ कितना टाइम हो गया? मेरे फादर मैरिड हैं और तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। वो कभी भी मेरी मदर को नहीं छोड़ेंगे। जोएना कहती है, तुम्हें तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शायद तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से डिस्टिंक्ट है। कभी कभी लोग जो नहीं चाहते वो भी करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम मुझसे मिल रहे हो तो तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। थॉमस को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो गुस्से में यहाँ से चला गया। अगले सीन में थॉमस जब अपनी मदर के साथ था, तब उसकी मदर कहती है, तुम ही मेरी लाइफ का एक तारा हो। वो सबसे ज़्यादा थॉमस से ही प्यार करती है। थॉमस उसे सारा सच बताना चाहता था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। अगले दिन थॉमस फिर से जोएना से मिलने के लिए गया। वो उसे कहता है, जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मेरे फादर से मिलना बंद कर दो। जोएना को किसी भी तरीके की कमिटमेंट अच्छी नहीं लगती। ईथन ने अभी अभी उससे कहा था वो उसे शादी करेगा, इस बात से वो डिस्टर्ब थी, और जो भी कुछ चल रहा था ये सब थॉमस गेराल्ट को बताता है। गेराल्ट थॉमस से पूछता है, क्या जोएना तुम्हें अच्छी लगती है? थॉमस पहले मना करता है, लेकिन गेराल्ट के ज़्यादा पूछने पर वो इस बात को एडमिट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं, एथन की ऑफिस की पार्टी थी, वहाँ पर थॉमस को भी इनवाइट किया गया था। आज थॉमस मिमी के साथ आया और वो नोटिस करता है जोएना भी यहाँ पर एक मिलियनेयर के साथ आई हुई थी। वो अकेले में उससे बात करता है और उसे कहता है, उस मिलियनेयर ने तुम्हें आज रात के कितने पैसे दिए हैं? क्या तुम सिर्फ सब कुछ पैसों के लिए करती हो? जोएना को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन दोनों में फाइट होने लग गई, और वो फाइट करते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। एक दिन थॉमस ने गेराल्ट को उसने जो कुछ भी लिखा हुआ था पढ़ने के लिए दिखाया। तब गेराल्ट कहता है, ये बहुत ही अमेजिंग है, तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। थॉमस कहता है, अब मुझे लगने लग गया है शायद मैं जोएना से प्यार करता हूँ। गेराल्ट उसे समझाता है, कई बार आपको जो प्यार लगता है वो अलग चीज़ होती है, हमेशा हमारा दिल सही नहीं होता। अगले दिन ईथन ने अपने ऑफिस में थॉमस को कुछ बात करने के लिए बुलाया। थॉमस को लग रहा था शायद ईथन को उसके और जोएना के बारे में पता चल गया है। ईथन थॉमस से पूछता है, तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, तुम्हारी करियर काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट थी लेकिन तुम गए ही नहीं। थॉमस कहता है, मुझसे गलती हो गई और मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। थॉमस जब घर पर आया तब गेराल्ट अपने रूम में नहीं था। वहाँ पर उसने गेराल्ट की बुक देखी। जब उसे गेराल्ट का नाम सही तरीके से पता चला, उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है गेराल्ट एक बहुत ही अच्छा राइटर है। उसने अब तक 12 बुक लिखी हुई हैं और आजकल वो थॉमस के बारे में बुक लिख रहा था। थॉमस को अच्छा लगता है, गेराल्ट को उसकी राइटिंग पसंद आई। एक दिन थॉमस ने नोटिस किया, जोएना अब भी ईथन से मिल रही है। वो मिमी के साथ था। मिमी उसे कहती है, तुम्हारे और जोएना के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? उस रात पार्टी से तुम दोनों अकेले घर गए थे। फिर वो खुद ही कहती है, तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं, तुम उन लोगों में से नहीं हो। आज रात थॉमस जोएना के साथ था, तब वो उसे कहता है, तुम ईथन से मिलना बंद कर दो। जोएना भी अब ट्रबल में थी। वो थॉमस और ईथन दोनों की केयर करती थी, उसे क्या करना चाहिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने डिसाइड किया, थॉमस और ईथन वो दोनों से ब्रेकअप कर लेगी। थॉमस ईथन को फ़ोन पर झगड़ते हुए देखता है, उसे लगता है जोएना ने ईथन से ब्रेकअप कर लिया है। फिर एक रात थॉमस के यहाँ पर पार्टी थी, उसने गेराल्ट को भी इनवाइट कर लिया। फिर दूर से थॉमस ने गेराल्ट को मिमी दिखाई, मिमी जुटित के साथ खड़ी थी। तब गेराल्ट ने कहा, तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम देखते हैं, इस पार्टी से अकेला रहने के लिए जोएना रूफ टॉप पर चली जाती है। गेराल्ट उसके पास आया और उसे कहता है, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन अगर इसमें थॉमस हर्ट हुआ तो तुम्हें मुझे आंसर करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। ये जोएना को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। वो यहाँ से जा रही थी तभी थॉमस उसके पास आ गया। जोएना यहाँ पर उससे भी ब्रेकअप कर लेती है। जोएना कहती है, तुम्हारे फादर ने मुझे प्रपोज किया, अब ये सब करना गलत होगा। इस बात से थॉमस गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था ईथन और जोएना अब शादी कर लेंगे। ये सब कुछ बताने के लिए वो अपनी मदर के पास जा रहा था, लेकिन वो अपनी मदर को ईथन के साथ खुश देखता है। वो उनका मोमेंट बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए थॉमस उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद पार्टी से वो गुस्से में जा रहा था। मिमी भी उसके पीछे आई। आजकल थॉमस उससे दूर रह रहा था, इस बात से उसे बुरा लगा, जिसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। ये बात वो थॉमस को बता देती है। थॉमस मिमी को जोएना के बारे में सच सच बता देता है। मिमी इस बात से डिस्टर्ब होकर वहाँ से चली जाती है। आज रात थॉमस अपनी मदर के साथ घर में ही रुका। सुबह होने पर जुटित पूछती है, आखिर बात क्या है, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो? थॉमस कहता है, एक बात है जो मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन इन सब से मैं भाग भी नहीं सकता। जुटित कहती है, कभी कभी आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, यही लाइफ में आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। फिर वो ईथन के पास पहुंचता है।
जोएना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। जोएना नहीं चाहती ईथन को कुछ भी पता चले, लेकिन थॉमस उसे सब कुछ बता देता है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ सही किया, तुम जो डिजर्व करते थे ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। वो उसे मार सकता था लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रोते रोते वो वहाँ से चला गया। जोएना थॉमस के बचपन की तस्वीर दिखाती है। जोएना ने कहा, ईथन ने तुम्हारे लिए क्या किया है ये तुम्हें पता भी नहीं है। ये तस्वीर जब थॉमस देखता है, इस तस्वीर में गेराल्ट भी था, वो बचपन में उसका गेम देखने के लिए आया हुआ था। थॉमस जब घर पर आया तो गेराल्ट की बुक वो पढ़ता है, इसे उससे सब कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक्चुअल में गेराल्ट, ईथन और जुटिथ ये यंग एज में फ्रेंड हुआ करते थे। ईथन और जुटिथ की शादी हो गई लेकिन काफ़ी साल बीत गए, उन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था। ये मेडिकल प्रॉब्लम ईथन की थी। तब ईथन और जुटिथ ने मिलकर डिसाइड किया वो किसी की हेल्प लेंगे। ये दोनों गेराल्ट को लाइक करते थे इसलिए इन दोनों ने गेराल्ट से हेल्प ली। जुटिथ और गेराल्ट ने एक बहुत ही रोमांटिक रात बिताई। जुटिथ इसके बाद प्रेग्नेंट हुई तो गेराल्ट का बेटा ही थॉमस है। थॉमस और गेराल्ट जब बात करते हैं तब हमें पता चलता है गेराल्ट जुटिथ तो हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। थॉमस को अच्छा बचपन मिल पाए, ईथन और जुटिथ के बीच डिवोर्स ना हो, इस वजह से गेराल्ट उन्हें छोड़कर चला गया था और जुटिथ ईथन में अब कोई भी प्यार नहीं था। फिर भी वो थॉमस के लिए एक साथ रह रहे थे। कभी कभी गेराल्ट जब थॉमस को मिस करता था तब वो उसका गेम देखने के लिए आया करता था। थॉमस को दूर से ही देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। अब बहुत सालों बाद उसे लगा थॉमस से उसे मिलना चाहिए, थॉमस में जो टैलेंट है इसे बढ़ावा देना चाहिए। इस वजह से वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गया था। ये दोनों जब बात करते हैं तब थॉमस को बहुत अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा उसका टैलेंट अपने फादर से आता है। वो फिर अपनी मदर से मिलने के लिए गया, इन सारी चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया। जुटिथ पूछती है गेराल्ट कैसा है, वो अभी भी उससे प्यार करती है, वो हमेशा उसकी बुक्स पढ़ती है। अब हम मूवी में देखते हैं, एक साल बीत चुका है, थॉमस ने अपनी एक बुक कंप्लीट करके सेल किया। आज उससे मिलने के लिए ईथन आया हुआ था। सब कुछ चीज़ें क्लियर होने के बाद इन दोनों में फिर से रिलेशनशिप अच्छी हो गई। वो भी ईथन को अपने फादर की तरह ही मानता है। जोएना सचमुच में ईथन को बहुत प्यार करती थी तो अब वो दोनों एक साथ हैं। गेराल्ट ने भी अपनी बुक को पब्लिश कर दिया था। गेराल्ट और जुटिथ 20 साल बाद एक दूसरे से मिले और अब ये एक साथ हैं। थॉमस इन दोनों को देखकर बहुत खुश था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।